न्यूज इंडिया और आइए आज के ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। आखिर कौन रोकेगा इस सरनाक हत्या बलात्कार को? जी हां, प्रयागराज में देश और प्रदेश में हो रहे हत्या और बलात्कार और फर्जी एनकाउंटर के विरोध में समाजवादी मजदूर द्वारा आयोजित एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया एवं पैदल मार्च किया गया, जिसमें सिविल लाइन्स लोहिया चौराहे से सुभाष चौराहे तक पैदल मार्च करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ उनकी ध्वस्त कानून व्यवस्था और बढ़ते प्रदेश में अराजक तत्वों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं उनके विरोध में नारा लगाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक समाजवादी मजदूर सभा इकाई के जिला अध्यक्ष इंद्रेश पुरस्कर, जिला उपाध्यक्ष भोला पासी, सहयोगकर्ता 257 प्रतापपुर विधानसभा के वरिष्ठ समाज सेवी व सपा नेता माननीय SB यादव आदि सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। रोग मुक्त करने के लिए जानकारी हेतु कैंप। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर में नव संजीवनी संस्था की ओर से गांव में जाकर पानी और हवा के पॉल्यूशन से बचाने के लिए और अपने परिवार को रोग मुक्त करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उपचार और उपाय बताए गए, जिसमें संस्था के मेंबरों ने आयुर्वेदिक इलाज को अपनाने के लिए प्रेरित किया और निवेदन किया कि कुदरत के नियमों की पालन करें। पंजाब से हमारे संवाददाता तिलक सिंह की रिपोर्ट। बाकी हैगा अपने एक चीज दसी सी कि आपा दो तरीके का पता रखे सी, अगर आपा तुलसी वरत ली 3 महीने 4 महीने अगर आपा तुलसी नू वरत लिया, जेकर इहदे विच अगर आपा अपनी तुलसी को 3 महीने 5 महीने अगर आप पी लिया, दोबारा होर बीमारी अपने शरीर च नहीं आएगी। दवाई इस तरह की आनू लगातार जिस बंद ने 3 महीने भी पी लिया ना, तो हिसाब ला लो भी भावे 5 महीने चौथे दिन भी कराऊगा, हफ्ते तीक महीने तीक रहूगा, पर इस तरह की चीज़ है जी, जिहड़ा 3 महीने पी गया ना। तो हर पिंड जाके असी आयुर्वेदिक बारे ज़्यादा जानकारी देने हैगे हैं कि वो तो वध जो भी लोगों नू आयुर्वेदिक नाल जुड़ा जाए। अज आप वेख रहे हैगे हैं कि बहुत सारी इदा दियाँ बीमारियां ने जिन्हों का हल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप अपने इतिहास वाल जाके देखिए तो आयुर्वेदिक नू पहला बहुत ज़्यादा वध यूज़ किया जाता सीगा, लेकिन अज इस यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो साडा और नव संजीवनी संस्था वालों ये मकसद हैगा कि अपना हर घर के आयुर्वेदिक नू पहुँच किया जाए, ताकि वो जिहड़े भी अपने बीमार पे कोई भी पेशेंट बैठे हैगे आ जिन्हां दा हल नहीं हो रहा, वो अपना वध तों वध हल करन। ते आउण वाले समय दे विच जो समा आ रहा हैगा वो आयुर्वेदिक दा हैगा। असीं हर घरां विच हाँ जी असीं हर तरह की बीमारी बारे जानकारी देने हैगे, जिवें गठिया हो गया और थायरॉयड हो गया, अजकल बहुत ज़्यादा देखा जाए तो पेशेंट इदा दे आउंदे आ जिहड़े गठिया वाले हुंदे आ, थायरॉयड हुंदा हैगा, आम थायरॉयड वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा सानूं मिलदे आ और जॉइंट्स प्रॉब्लम हो गई। कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रवेश प्रारंभ 2019-20 पॉलिटेक्निक डी फार्मा GNM ANM BA MS BEd BTC में सीधे प्रवेश प्रारंभ। कन्हैया अलंकार मंदिर, कुंदन पोल की जड़ाऊ वैवाहिक व हीरे के गहनों का अनुपम संग्रह। जनजात कटे होठ एवं तालू का निःशुल्क इलाज। प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी का उच्चकृत केंद्र GS मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल महमूरगंज वाराणसी। श्री भागवत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SMS कॉलेज के सामने बाईपास रोड खुशीपुर वाराणसी, रजिस्ट्रेशन ओपन। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, HKS मेमोरियल प्राइवेट IIT। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स, गोल्ड ज्वेलरीज। काशी पर चढ़ेगा सच्चे स्वाद का रंग, पान पारस कायम, पान मसाला स्वाद में सच्चाई। कृष्णा हुंडई महाबचत महोत्सव दिनांक 30 जून 2019 तक, स्थान कृष्णा हुंडई शोरूम वाराणसी। जौनपुर के जलालपुर खुटहन गांव के अंतर्गत बागों खेतों में आवारा सांड एवं नील गायों के बढ़ोतरी से
ग्रामीण परेशान हो गए हैं, जिस वजह से किसानों के फसलें नष्ट हो रही हैं। जौनपुर से हमारे संवाददाता अभिनय गुप्ता की रिपोर्ट। और इधर किसानों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, किसान बेचारे देखे पगड़ी बांध बांध दौड़ा रहे थे। तो आइए जो कि मिलते हैं इन किसानों से। भाई साहब आपका परिचय? मैं पंचमलाल यादव कुटाना से। ये जो घर रोज सब चल रहे हैं ये जो, तो मान लीजिए अब तो फसल कट गया है, तो ये लोग खेती में परेशानी करते थे? फसल कहाँ कट गई, अभी प्याज है, ननुआ है, लौकी है, तुरई है, कोहड़ा है, गर्मी की सारी फसल है, सब पूरा का पूरा सत्यानाश। रात भर दिन भर रखते रखते जी भर मतलब पूरा जिंदगी खराब है। जो लागत लगती है वो लागत भी नहीं निकल पा रही है अभी से ज़्यादा। किसान खाए बगैर मर जाएंगे। तो ये बताइए कि जो घर रोज है ये अभी भी मतलब कि इनके लिए नुकसान है, मतलब किसानों को बहुत नुकसान है कि घर रोज है, लिलगाए हैं सब, बछवा गाय छूटे हैं सब, किसान चल जा रहे हैं, क्या जिएंगे क्या खाएंगे, सब मर जाएंगे। खाए की खेती जो चरी है जो अभी कोई खेती नहीं बच रही है, सब खेती चौपट हो जा रही है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। आप क्या बताए सर अपना नाम? पंचम लाल यादव। अच्छा भैया जी, ये जो घर रोज चल रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो घंगरोज है ये तो पहले से चला आ रहा है, इसके लिए क्या किया जाएगा? लेकिन जो गैया है, गैया और बछवा जो है उस पर देखा जाए, और घंगरोज और लिली गाय तो भाई जन्मजात है, इनके लिए क्या किया जाएगा? ये तो उड़ता पक्षी। अच्छा, पहले ज़्यादा हो गए? पहले से ज़्यादा भी हैं और नहीं भी हैं, ये तो तिरवाह पकड़ लेते हैं बेचारे, इनकी इनका क्या दोष है? लेकिन दोष तो गैया बछवा का है, जो गैया बछवा नुकसान दे हैं, ज़्यादा बढ़ गया है, यही सब है। आपका क्या नाम भैया? दीपक वर्मा, मजगवा कला। धन्यवाद भैया। देखिए अभी सब लोग जो कि लोगों के लिए गौशाला बनना चाहिए, किसानों की ये समस्या है कि तमाम छुट्टे और पशु भी हैं घर रोज, आप देख ही रहे हैं इधर सांड आप देख रहे हैं या एकदम फ्रंट पे, इसी तरह से ऐसे तमाम और भी छुट्टा पशु जो है कि खेतों को खराब कर दे रहे हैं। तो आप सभी जो है कि एक और अजय दीप सिंह ने किया निरीक्षण। जी हां, अलीगढ़ क्षेत्र के 6 गौशाला आयुक्त अजय दीप सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय प्रधान मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त गभाना स्थित गौशाला में पहुंचे। यहां उन्होंने संख्या से कम गाय होने पर नाराजगी व्यक्त किया और तय मानकों के साथ गौशाला संचालन का निर्देश दिया। आयुक्त अजय दीप सिंह ने आगोर और कंदौली के निर्माणाधीन गौशाला का भी निरीक्षण किया और इन्हें जल्दी से जल्दी तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने छांव के लिए गौशाला में वृक्षारोपण कराया और गौशाला में काम करने के लिए कर्मचारियों को 500 रुपए पुरस्कार राशि भी प्रदान किया। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता कृष्ण प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी अंकल, आपका शुभ नाम? लालजी सिंह वर्मा जी, बरावली अलीगढ़ जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इतनी बड़ा क्षेत्रफल इस क्षेत्र के लोगों ने दिया है प्रधानों ने, इन्होंने उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी गौशाला जो बनने जा रही है, एक अपने आप में ऐतिहासिक गौशाला है जी। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत अच्छी पहल करनी चाहिए और हमारे सब किसान भाइयों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और जितनी गायें जिधर जो चल रही हैं, हम गाय को मानते हैं थोड़ा सा, बाद बाकी तो ये बड़ी हमारे हिंदू धर्म के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें हम सब जनता का सबका कोऑपरेशन होना चाहिए और इसमें हर इंसान को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। आज पता लग रहा है कि हमारी सरकार से पहले आज पता लगता है कि गायें जो कट रही थी कितनी संख्या में कट रही थी, आज हमें महसूस होता है कि हमसे पूर्व की जो सरकार रही है बड़ा अत्याचार किया है। आज हमें थोड़ा कष्ट हो रहा है इन गायों को देख करके, पर हम लोगों का सबका कोऑपरेशन रहेगा तो ये एक बहुत ऐतिहासिक चीज होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे एक बहुत बड़ा सुझाव मिलेगा और एक बहुत बड़ी इससे उपलब्धि मिलेगी। क्योंकि इसका गाय मूत्र, इसका गोबर तो एक ऐसी चीज है कि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। इसके लिए हर आदमी को सहयोग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी रंजिश के कारण हत्या का झूठा आरोप। जी हां, कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कुणवा उर्फ दिलीप नगर टोला सिसई के नथु प्रताप पिता बलिष्ठर जो बाबा धाम एवं बस्कितनाथ धाम के लिए अपने ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के साथ बस से गए थे। नथु प्रसाद का दिमागी हालत ठीक ना था, जो कि बस से बार बार चढ़ता और उतर जाता था। एक बार बस्कितनाथ धाम जरमुंडी जिला दुमका झारखंड में उतरा और काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण कुठवा स्टेट जमीनी व पुरानी रंजिश के चलते वह उमेश प्रसाद
झूठा साजिश के तहत भिन्नाथ लाल श्रीवास्तव उनके परिवार के लोगों पर भी झूठा हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मणिंद्र कुमार की रिपोर्ट। आपका नाम? ज्ञान जी। आपके पति क्या नाम है? प्रसाद जी। कहाँ आपका घर है? लाला टोली जी। आप कोई आपके साथ वारदात हुआ है, कोई घटना उड़ना या कहीं आप गई थी क्या? कभी घटना बोल नहीं क्या, वो रोला दिमाग हालका, वो जगह जगह उतर जाए। कहाँ गई थी आप? बाबा धाम को। कब गई थी आप? अगला साल पिछला साल आप गए। आपके साथ कितने लोग गए थे? हमारे गांव का 17 आदमी रहे और सब से। किस साधन से, किस गाड़ी से गई थी आप? बस से गए थे जी। तो वहीं पर छूट गए? वही जो छूट गए, पूरा जो नहीं जाया, आवे के काल नहीं जाया, जो दिन भर जो नहीं जाया जी। तो वो नहीं मिले तो आप लोग छोड़ के चले? हाँ चलिए नहीं जाए। इसके बाद कोई बात हुआ है का? किसी कोनो बात भोल नहीं, जब नहीं मिला था छोड़ के चलिए नहीं जाए जी। इसके बाद मानी किसी के साथ कोई ब्लेम व्लेम लग रहा है का कोई? हाँ। क्या हो रहा है? भीरगु श्रीवास्तव के जी। तो कहाँ कहें भीरगु श्रीवास्तव जी? लाला टोली के। उनके पिता क्या नाम है? लालन लाला जी। तो क्या कोई का उनके कह रहे हैं लोग? कहता लोग झूठा जो उनके हई घटना घटला वाले। कौन घटना? मुआ का बिग दल वाले। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि उनको जिसे मार के फेंक दिया गया। हाँ। आपका नाम? मालती नाम है जी। मालती जी आपके पति क्या नाम है जी? आपका घर कहाँ है? लाला टोली है जी। आप अभी बाबा धाम गई थी? कब गई थी? पिछला साल गई थी। तो पिछला साल गई थी तो आपके साथ भी कई लोग गए होंगे? अधिक लोग गए थे जी। किस गाड़ी से गई थी आप? बस से गई थी आप जी। बस से गई थी तो कोई आपके साथ भी गया था? कहाँ के? सिसाई के। क्या नाम था उनका जी? तो सही व्यक्ति थे कि कोई दिमाग वमाग उनका सही था ना? नहीं, दिमाग कमजोर है। तो बस से हर जगह उतर जाते थे क्या? उतर पहले हर जगह उतर घूम के आओ चलिए जी। जब पाछला दे रहा कर रहा है तो भिला गए जी। अब लोग उनको खोजा उनको? हाँ सब खोजल। घर के आदमी रहला रुवत रहले जी। कोतने का करबे जे झूठते रहबे, चलो जे घर है जी। आप लोग चले? हाँ सब चलिए। अच्छा, जो भृगुला श्रीवास्तव जी के क्या झूठ मूठ फंसाया जा रहा है कि सही बात है? झूठे फंसा रहा उतर रहबे ना करबे। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग बात कर रही हैं वो आप किसी के दबाव में कर रही हैं या अपने मन से कर रही हैं? नहीं, किसी के दबाव में दबाव है। आप ये जो बात हुआ है कि आपने किसी के दबाव में कर रही हैं अपने मन से? नहीं, हम केहू के दबाव में ना बानी ना केहू के दबाव में रहे वाला। नहीं, जो आप ये बात कही हैं, जो बयान कही हैं, किसी के दबाव में कर रही हैं अपने मन से कर रही हैं? अपना मुंह से कहत है ये बात किसी से कर रही हैं? अपने मन से कर रही हैं। जी सर, जो आपने अभी अभी बयान दिया जी सर, तो आप किसी के दबाव में कर रहे हैं? एकदम दबाव, क्या दबाव है इसमें? नहीं, अगर किसी की मर्जी से कर रहे हैं दबाव कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे हैं? अपनी मर्जी से कह रहे हैं, जो सच्चाई है वही कह रहे हैं जी। ये जो आप लोग अभी बात बोले हैं तीनों लोग, तो आप किसी के दबाव में आप लोग बोले हैं? अपने मर्जी से बोले हैं? हाँ चलिए स्टार्ट जी। आपका नाम? जी आपके पिता का नाम? आपका घर कहाँ है? जी आप इसके पहले जो आपको कोई विवाद हुई है का आप लोगों के बीच में? कोई विवाद नहीं है, हम लोग मवाद हम अगले साल गए थे, पिछले साल। हाँ पिछले साल जी। उसमें हमारे वहाँ से लेकर सिसाई तक का लोग गए थे उस बस में, उसमें नथु प्रसाद भी थे। और उस नथु प्रसाद कौन थे? उनके पिता क्या नाम? बरिस्टर था। कहाँ के थे? सिसाई के। सिसाई जी। वो कैसे थे? सावले से थे जी। वो अच्छा मंद बुद्धि के थे जी, दारू भी पीते थे जी। तो आप लोग साथ गए थे क्या? वो आपके साथ है या क्या? कई जगह उतरते थे,
फिर आ जाते थे, लेकिन वहाँ उतरे उसके बाद आए ही नहीं। हम लोग बहुत इंतजार किए, नहीं आए तो हम लोग चले आए थाने में, कनाव की दरखास्त भी दिए और उसके बाद हम लोग चले आए। उसके बाद कोई बात हुई है क्या? बात हुई है, झूठ बिल्कुल ना सिवा को फंसाया जा रहा है जी। स्टेट वाले लोग पुराने रंजिश की वजह से जी फंसा रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि भीमनाथ की गाड़ी से ले आकर कनाव की तनख्वाह बाकी था, क्या था उनके पिता का नाम था लगा करके उनको कनाव। भीमनाथ जी के पिता क्या नाम है? वो कहाँ के रहने वाले? लाला टोली का रहने वाले। तो जी आप किस गाड़ी से गए थे? बस से गए। बस से गए थे। आपके वहाँ से कितने लोग गए थे? हमारे वहाँ 70 लोग थे, यानी 60-65 लोग पूरे बस में। इस मौके पे कितने लोग मौजूद हैं लगभग में? इस समय हम लोग 10-12 आदमी हैं। 10-12 जी। क्या क्या नाम है जी? आपका नाम? रामलिंग चौधरी। आपके पिता का नाम? केवल चौधरी जी। आपका घर कहाँ है? बेला टोला जी। आपका नाम? जी। आपके पिता के नाम? इच्छा जी। आपका घर कहाँ है? अच्छा, लाला टोली में जी। आप भी गए थे बाबा धाम में जी? इन लोग साथ आप थे? आपका नाम? बीरन प्रसाद जी। आपके पिता का नाम? लक्ष्मी प्रसाद जी। आप भी बाबा धाम गए थे इन लोगों साथ? कितने सन कौन सा था आप गए थे? तो 2007 में था। नहीं, सन पिछले साल में, सन 2018 में गए थे आप? हाँ। इन लोग साथ गए थे? हाँ, साथ में। किस गाड़ी से गए थे आप? वही बस से गए। बस से गए थे। आपके आप लोग थे साथ में तो भी गए थे जो शिशवा गए थे साथ में सब जी। क्या नाम था उनका? नथु जी। और नथू जी थे तो उनका पिता क्या नाम था? बरिस्टर जी। कहाँ के रहने वाले थे? सिसाई का जी। आप लोग साथ गए, उसके बाद से कहीं वो मेले में गुम हो गए? मिला गए वहीं से जी। आप लोगों ने ढूंढा उनको? उनको ढूंढा मैं। और वो नहीं मिले? कोई नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले तो आप लोग चले चले आए। आगे खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बरकरार रहेगा। बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।